अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की खिदमत में एक नया व्लॉग हाजिर खिदमत है और मैं गई थी JDC कुर्बानी के जानवर देखने, तो बहुत बड़ा मज़ा आया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे जानवर थे और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे और आप लोग भी गए होंगे यकीनन। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने इंजॉय किया, आप लोगों को जानवर कैसे लगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का कुर्बानी कबूल करने वाला है और अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। और जो है बहुत अच्छे जानवर थे माशाल्लाह से, जिन्होंने डोनेशन दिए वैसे दिए, सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए थे और मैंने एक स्टॉल जो सोडा हब है यहाँ पे, उसका भी अलग से वीडियो बनाया, वो मैं आपको बाद में अपलोड करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले ये जो बहुत बड़ा सा ये भैंसा बुफेलो था, इतना बड़ा था ये माशाल्लाह से, बहुत स्पेस इसने घेरा हुआ था। और काफ़ी लोग इसके साथ, जानवरों के साथ भी पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे और जो है, लेकिन मैं तो देख के माशाल्लाह से दंग रह गई। एक से बढ़कर एक जानवर वहाँ मौजूद था कुर्बानी के लिए। और ये जो है सिब्बी बैल थे, बहुत ऊँचे ऊँचे, एक नहीं दो, जब मैं पिछली बार गई थी तो एक सिब्बी बैल था और अब मैं गई हूँ तो अब की बार ऐसे दो सिब्बी बैल थे। इसके अलावा तीन अलग से मंदिर में थे सिब्बी बैल। आप लोग भी जाएं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देख के। अल्लाह ताला की कुदरत है, ये भी सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ये सब पैदा करदा। और ये तीन अलग से बंधे हुए थे सिब्बी, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। इनकी दूसरी नस्ल थी, वो जो उधर बंधे हुए थे वो दूसरी नस्ल के थे। इनमें से एक जो था वो बड़ा खतरनाक डेंजर सा लग रहा था, वो लड़ रहा था दूसरे वाले सिब्बी बैल से। और जो है तकरीबन टोटल वहाँ पांच सिब्बी बैल थे, तीन ये वाले और दो बहुत बड़े वाले। इसके बाद इसके अलावा हम आगे गए तो आगे अलग अलग किस्म के हमें जानवर देखने को मिले। और जो है ऑस्ट्रेलियन बुफेलो भी थी, भैंसें भी थी, अमेरिकन, ये देखें ये वाली भैंस है, ये वाइट बिल्कुल प्योर जो होती है, पिंक गुलाबी। और ये काऊ थी, ये बड़ा प्यारा इसका कलर था, बहुत प्यारी सी लग रही थी। इसके अलावा कुछ मारने वाली भी इसमें गायें थी और कुछ जो थी वो शरीफ शरीफ भी थी। और इसके अलावा हमने यहाँ पांच टांगों वाली गायें भी देखी, पांच टांगों वाली गायें भी आई हुई थी और छोटे छोटे साइज़ की, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी आई हुई थी। और बच्चे सब बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ, मीडिया वाले भी आए हुए थे। ये वाली काऊ का मुझे हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया, देखें बहुत क्यूट सा इसका हेयर स्टाइल बना हुआ। काऊ नहीं है एक्चुअली, ये है भैंस। भैंसों में भी अलग अलग किस्में होती हैं, नस्लें होती हैं, तो इसकी भी जोड़ी थी, ये दो एक साथ थी, एक हेरी एक वहाँ बैठी हुई थी। और जो है ये देखें इस तरह से, बिल्कुल शेप इसका डिफरेंट सा था और अलग सी लग रही थी। इन दोनों का भी पेयर था, एक ये दोनों साथ खड़ी हुई हैं, ये भी पेयर था एक, और क्या कहते हैं इनके बराबर में जो काऊ खड़ी हुई, छोटी सी बिल्कुल क्यूट सी काऊ थी। और माशाल्लाह से सब एक से बढ़कर एक जानवर थे। आप लोग भी जाएं, ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें और आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये थी क्यूट सी गायें जो छोटी सी थी बिल्कुल, और सबसे छोटी इस JDC पे यही वाली एक होती, बहुत क्यूट सी थी और सबसे अलग बंदी भी थी। इसके अलावा कैमिल भी थे, कैमिल भी जो है तकरीबन माशाल्लाह से आठ कैमिल थे वहाँ। और इसके अलावा जो थे स्टॉल्स, लोगों पे खाने पीने का भी रश था और जो है लोग वीडियोस भी बना रहे थे, पिक्चर्स भी ले रहे थे, वहाँ मीडिया वाले भी आए हुए थे, मीडिया वाले बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। और ये भी भैंसें, ये भैंसों की अलग किस्म है, वो दो जो सामने बंधी थी वो अलग किस्म है। और ये एक ये थी एक ख़तरनाक सी जो काऊ है, छोटी सी ब्राउन कलर की, ये भी बहुत फुर्तीली सी थी। और इसके अलावा जो थे कैमल्स, लोग इनको प्यार करने से थोड़ा परहेज ही कर रहे थे क्योंकि कैमल जो है थोड़ा डेंजर होता है इसलिए। और यकीनन आप लोग जाएं और आप लोग भी ज़रूर जाएं और जो है बच्चों को लेके जाएं, फैमिलीज़ के साथ जाएं, बहुत अच्छा वहाँ का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। स्टॉल्स भी हैं, खाने पीने की अशिया भी हैं, आप लोग इन्जॉय करें। फिर इसके बाद जो है ये देखें, ये तीन ये देखें, ये वाइट काऊ, इसको तो मुस्तफ़ा ने भी प्यार किया था इसका कान पकड़ के। और जो है ये छोटी छोटी ब्लैक काऊ थी, बहुत क्यूट थी ये भी, इनका तो प्यार था। और जो है ये जो है एक साथ बंधी हुई थी। और ये चांद बैल, ये चांद बैल था बिल्कुल अलग से, इसको बांधा गया था अंदर, इसके करीब कोई जानवर नहीं था क्योंकि सिंह से जो है ख़तरा होता है दूसरों को लगने का, तो जो है डेंजर भी लग रहा था, लेकिन बच्चे प्यार कर रहे थे इसको। और क्या कहते हैं इसके साथ ये वाइट कलर का माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारी सी काऊ थी। इसके अलावा हम आगे गए कॉर्नर पे, बिल्कुल अलग से इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा सा जो है भैंसा बांधा हुआ था।
और ये पांच टांगों वाली काओ है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी ना, पांच टांगों वाली काओ। माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप, पांच टांगों वाली काओ। एक टांग इसकी बिल्कुल अलग से आपको नज़र आ रही होगी, और ये जो है वाइट और ब्राउन कलर की काओ है, और इसने जो है इसकी सो ये तो फेमस हुई हुई थी। और इसके अलावा वहाँ दो ज़बान वाली काओ भी थी, वो जो है मुझसे हो गई, मुझसे वो उस टाइम वहाँ थी नहीं इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये क्या कहते हैं, ये वाली आई हुई थी वहाँ, ये वाली गायें आई हुई थी तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। इसके अलावा यहाँ बकरे थे और चार सींगों वाले बकरे थे, ये चार सींगों वाला बकरा है। इसके अलावा यहाँ पे अभी और आने बाकी हैं, बहुत सारी स्पेस खाली थी। ये बिल्कुल फुल हो जाता है, बिल्कुल ही फुल एंड के डेज़ में फुल नज़र आएगा भी आपको। एंड के डेज़ में क्या, अभी आप 10-5 दिन गुजर जाने दें, इसके बाद आपको ये फुली फुल नज़र आएगा। अच्छा सिक्योरिटी का बहुत मैनेजमेंट अच्छी थी, और जो है कोई बदतमीज़ी वाली बात नहीं थी, आराम से आप जाएँ इंजॉय करें फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ। और ये सिब्बी बैल, ये ऑस्ट्रेलियन बैल बेस्ट था बिल्कुल माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त था। और ये सिब्बी बैल अभी बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, इसकी हाइट माशाल्लाह से इतनी ऊंची थी कि इसे डर ही लग रहा था जब ये खड़ा हुआ था, तो दूर पीछे हो जाए इंसान, जानवर का कुछ पता नहीं होता, जानवर जानवर होता है। ये ऑस्ट्रेलियन बैल और दो, एक सिब्बी बैल आगे था इसके, एक सिब्बी बैल पीछे था, एक ये रहा सिब्बी बैल। तो माशाल्लाह से सारे एक से बढ़कर एक जानवर थे, बहुत बड़े बड़े। मुस्तफ़ा ने काओ को प्यार करते हुए, मुस्तफ़ा ने काओ के गाल कान भी खींचे थे। और ये शरारती सी काओ थी बहुत, ये प्यार था इसका भी, छोटी छोटी काउस थी। ये भैंसा, ये मैं आप जिससे बात कर आप लोगों से जिसकी बात कर रही थी, बिल्कुल इसको अलग मानता हुआ था, ये बहुत गुस्से का तेज था, और ये जो शक्ल से भी डेंजर सा लग रहा था, इसकी आंखों में डेंजर, और इतना माशाल्लाह हैवी इसकी गर्दन, किस तरह से इसको ज़िबा किया जाता होगा पता नहीं, लेकिन ये सब ज़िबा होने के लिए आए हुए थे जानवर जो हैं। इंशाल्लाह ताला ईद पे इनकी कुर्बानी होगी, अल्लाह ताला को कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों के घर में भी कुर्बानी की तैयारियां चल रही होंगी, आप लोग भी मंडी जा रहे होंगे, आप लोग मुझे बताएं आप लोग कहां कहां से मंडी, कौन सी मंडी से अपने लिए जानवर लेकर आएँ, और कौन कौन सी मंडी का आप लोगों ने विज़िट किया। उम्मीद है आपको मेरा ये JDC का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।